हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग। ए देखिए हमारा जो मुर्गा मुर्गी है ना, देखिए कितनी बड़ा हुए हैं। अभी क्या हुआ, मैं सुबह सुबह ना एकदम देखा बहुत रो रही है। मैंने सोचा जे भाई इतनी की रो रही है, देखा मैंने आके जे चिड़िया आया है बाहर से, जो उसका खाना देती हूँ ना राइस, तो चावल खाने के लिए चिड़िया भी आया है उधर से। चिड़िया आके उसके खाँचा जो है ना, जो खाँचा उससे साइड में ना आके देखा उन दोनों को परेशान किया है, खाना खा रही है। तो इस देख के मुर्गा ने बहुत रोया, तो फिर मैंने सोचा मुर्गा को बाहर कर देती हूँ, भाई देखती हूँ वो क्या करती क्या है। देखिए बहुत मस्ती से खा रही है, पी रही है, वहाँ पैदल चल रही है, अच्छा लगती है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, छोड़ के आप बैठ के देख रही हो भाई कहीं चला ना जाए वो उड़ के। अरे ऐसे भी हम लोग गाँव जाने वाला हैं तो इसको क्या करूं भाई, इसको लेके जाना पड़ेगा, और कार में लेके जाऊंगी तो गंदा कर देगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको छोड़ के जाऊंगी बरामदा में। हाँ ख़त्म ख़त्म हो गया, देखो अन्नु का बच्चा हुआ खाना दिया है ना, तो कितनी प्यार से खा रही है। चलो खा लो खा लो खा लो। उसके लिए मैं एक मिट्टी का जो डब्बा है ना, उसमें मैंने उसके लिए पानी दिया है जी भाई। इसमें ना वो आराम से, इधर घास फूस भी है, दो दिन नहीं रहूँगी तो आराम से लोग रह सकती है, खा सकती है, पी सकती है, खा पक के ना मस्त रहेगा। उधर जो घास मैंने लगाया इसके लिए, देखो घास भी है, उस दिन पेड़ लेके आया एक, उसका वो खाने का डब्बा है, मैंने सब कुछ इधर रखा है, अरेंजमेंट है इसका। फिर आके मैं फ्लोर धो दूँगी बस, अभी इसको कुछ देर खेलने दूँ एक दो घंटा, अन्नू को सुला के फिर मैं आके इसको पूरा सफाई करके, उसका खसा भी सफाई करके मैंने एक काम करूँगी उसका सफाई। ना पानी, अरे बोतल का पानी नहीं पीती है, छोड़ दो बोतल थोड़ी पी सकती है। अभी अन्नू बोतल लेके आया जब बोतल का पानी पिला मुर्गी को। माँ भी पागल है, बेटा भी पागल है, पागल मत बन माँ की तरह। देखा देखा मुर्गा को, ए रूम में मत आओ, रूम में मत आओ, मत आओ मत आओ, रूम में मत आओ। देखो देखो अन्नू क्या खाने के लिए आया है। इधर क्या है ना, बाहर काम चल रही है, देखिए इधर जो थाई ग्लास के नीचे है ना, इधर बहुत धूल मिट्टी है, क्या करूँ, सफाई करती हूँ ना फिर भी हो जाती है वो तो बाहर। देखिए हमारा बिल्डिंग के ना दूसरी बिल्डिंग में काम चल रही है ना, तो हमेशा धूल मिट्टी आती रहती है, बहुत सफाई करना पड़ती है। ये देखो हमारा, देखा कितनी डेंजर टेक्निक है भाई, इधर इधर मुर्गा मुर्गी पाल सकती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दो ही सही है। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ भाई मेरा मुर्गा सही रहे, मैं घर जाऊँगी तो फिर मेरा मुर्गा का क्या होगा। इसके लिए मैं इस तरह का खाना ना डब्बा डब्बा करके सुंदर करके उधर से सजा के रख जाऊंगी, और उसका खाँचा का मुंह खोल के रखूंगी नीचे कत्था बिछा के, फिर वो रात जब होगा तो तब आके चुपचाप उधर सो जाएगा, और बारिश होगी तो एक साइड में जाके कॉर्नर पे जाके सो जाएगा। अच्छा पानी है मुर्गा का उधर, देखो अनु बता रही है मुर्गा को पानी दो, देखो कितना क्यूट से खा रही है ना। कॉमेंट्स में ज़रूर बताना मेरा मुर्गा को कैसे लगा, मेरा मुर्गा बहुत सुंदर है, क्यूट है ना अनु जी, बहुत क्यूट है मेरा मुर्गा, बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। देखो बाटी को गंदा किया ना, उसको मत करो ना, मत करो, उसको खाने दो। देखो घास फूस भी खाता है ये मुर्गी, क्या है ना ये मुर्गी का एक विशेषत्व है, इस मुर्गी बहुत ज़्यादा लंबा होती है, टार की मुर्गी है, बहुत लंबा होती है, और उसका जो ना घास खाने का आदत है, ये घास भी खा सकती है, घास फूस भी खा सकती है, कुछ भी खा सकती है, चिकन भी खिला सकती हूँ इसको मैं। देखो कट 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 कट, अनु मुर्गी कैसे करती है ट्यू ट्यू, बोलो मुर्गी ट्यू 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 ट्यू। कमेंट्स में जरूर बताना मेरा मुर्गा को कैसे लगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलो।